एससी वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 10, अ ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, शो दैट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इक्वल्स द लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम, दैट इज अ पेंडुलम हैविंग फ्रीक्वेंसी सेम एज दैट ऑफ द ब्लॉक। तो एक हमें शो दैट का क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होगी, अब उसका इक्विवेलेंट इस वर्ड क्वेश्चन में इक्विवेलेंट पेंडुलम इस तरह से वर्ड यूज किया है। इक्विवेलेंट पेंडुलम का मतलब भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों स्प्रिंग मास सिस्टम और पेंडुलम ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का इनवर्स, मतलब दोनों का टाइम पीरियड भी इक्वल होगा। तो ये हमें डेटा हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ जो ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, मतलब टाइम पीरियड यहां पे लिखते स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो होगा वही टाइम पीरियड यहाँ पे पेंडुलम का भी होगा। इसी जगह पे हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी होता है 1/T और हम टी के फॉर्मूले से फैमिलियर होते हैं इसलिए ए लिख दिया। अब टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग और क्या क्वेश्चन दिया है कि हमें क्या यहाँ पे शो दैट करना है एट इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में जब होगा तब, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तब इसमें जो एक्सटेंशन इसे और सिलेक्ट करने के लिए जो थोड़ा सा एक्सटेंशन देंगे तो वो एक्सटेंशन कितना होना चाहिए, तो दिस एक्सटेंशन इज इक्वल टू इसकी जो लेंथ होगी टाइम सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो लेंथ, मतलब एक्सटेंशन इन दिस सिस्टम इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, कौन सा पेंडुलम इक्विवेलेंट जिनका टाइम पीरियड दोनों का दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी। तो ये हमें शो दैट करना है, तो ये क्वेश्चन तो शो दैट पे, लेकिन इस पर ये समझना है हमें ये कॉन्सेप्ट कि जब एक्सटेंशन इज इक्वल टू लेंथ तब टाइम पीरियड सही, तो ये कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल बन सकते हैं अलग अलग। तो हम चेक करते हैं ये सही है नहीं है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए क्या होता है, ये लास्ट न्यूमेरिकल में देखा हमने 2π अंडर रूट मास अपॉन k इज इक्वल टू, यहाँ पे पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2π अंडर रूट लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम और ये g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 2π दोनों के चले गए, दोनों भी अंडर रूट में, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा m अपॉन k इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा l अपॉन g। अब ये यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे जो x हमें दिखाना है वो x है ही नहीं, तो कौन सी टर्म में x आएगी ये भी देखना पड़ेगा। तो एक k क्या है, k है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ये कहा कितना होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, तो हमें ये पता है कि f जो होता है ये होता है इज इक्वल टू k x, ये माइनस साइन होता है, सो वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होता है वो के जी, यहाँ पे फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये जो मास होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी फोर्स लगा रहा है, मतलब इस फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू के एक्स। हमें यहाँ पे एक्स की टर्म चाहिए थी क्योंकि हमें एक्स इज इक्वल टू एल दिखाना है और एक्स ही नहीं है इस इक्वेशन में, तो कहीं से तो एक्स लाना था, तो हम इस के को एक्स के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, इस एक्स को इस साइड में भेज देते तो एम जी अपॉन यहाँ पे और एक के, अब ये k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फ्रॉम इस इक्वेशन को 1 देते हैं, तो फ्रॉम 1 m अपॉन k, k को लिखा हमने m g डिवाइडेड बाय x और ये इज इक्वल टू l अपॉन g, l अपॉन g m गायब x ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू l अपॉन g, ये g भी इधर गया तो x इज इक्वल टू एल, मतलब एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो ये हमने शो दैट कर दिया, हेंस प्रूव्ड।